बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से किसानों की कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड देर से पहुंचने की वजह से गेहूं की फसल जलकर राख। उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर के विकासखंड टांडा के बिजली उपकेंद्र कलेक्सर अंतर्गत ग्राम भीठलपुर बरवा में गेहूं की फसल जलकर राख। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को फोन कर थक गए, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय से नहीं पहुंची। फिर ग्रामीणों ने 112 को फ़ोन किया, वहीं पर अपना खाना पूर्ति करके चली गई 112 डायल। अगर सही समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती तो किसानों की खड़ी गेहूँ की फसल जलने से बच जाती। बता दें कि ग्राम बरवा बिठलपुर के खेत में हुआ जहाँ बिजली की तार से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अचानक सुबह आग लग गई और देखते ही देखते कई बीघा जलकर राख हो गई। अभी तक प्रशासन की तरफ से किसानों को सांत्वना देने या उनसे बात करने कोई भी अधिकारी कर्मचारी कोई भी नहीं आया। किसानों की माने तो अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा और जो खेत में था वो जलकर राख में तब्दील हो गया। गेहूँ खाने के लिए नहीं और जानवरों के लिए भूसा भी नहीं, करे तो क्या करे। जिलाधिकारी से उम्मीद है कि इस मामले की गंभीरता से लेते हुए हमें उच्च स्तर पर मुआवजा दिलाया जाए ताकि हमारा पालन पोषण चल सके, जिससे परिवार पाली में कोई कठिनाई ना आए। ग्रामीणों ने मांग की है कि जिस की लापरवाही से घटना घटी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जनपद अम्बेडकर नगर से रामतिलक विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। जरा बाहर ना बता सकते हैं।